أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا اس کا دل آئینہ ہو گیا کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا معجزہ ہے ادب آپ کے حسن کا معجزہ ہے ادب آپ کے حسن کا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جس نے دیکھا وہی آپ کا ہو گیا جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے جو کتاب خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی اسے ہم قرآن مجید کہتے ہیں یہ قرآن مجید بیک وقت کتاب بھی ہے یہ قرآن مجید بیک وقت زندگی کی حرارت اور ہدایت کا نور اس کے اندر دونوں یکجا ہیں یہ ہر پیاسے کو اس کے پیاس کے مطابق سیراب کرتا ہے اگرچہ قرآن مجید پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے نازل کیا اور اس میں ہر شخص کے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح
और कामयाबी का सामान मुहैया कर दिया गया। लेकिन कुछ मकामात इसके अंदर ऐसे हैं कि जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर ख़िताब किया, यानी वो खालिसतन ईमान वालों से अल्लाह ने ख़िताब किया। खालिसतन ईमान वालों को अल्लाह ने उस आयात में ख़िताब फरमाया। और याद रखिए, हज़रत अब्दुल्लाह बिन इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कि लोगों, जब तुम कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू सुनो तो अपने कानों को मुतवज्जे कर लिया करो, अपने दिल के कानों को भी तवज्जो से सुन लिया करो कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो इस आयत में किसी नेकी का तुम्हें हुक्म दे रहा है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बुराई से रोकने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ममानियत कर रहा है। एक और बुज़ुर्ग हज़रत खैसला रहिमहुल्लाह फरमाया करते थे कि बनी इसराइल को अल्लाह ने या अय्युहल मसाकीन कहकर ख़िताब किया, और इस उम्मत के साथ अल्लाह का कितना ख़ास फ़ज़ल व करम वाला मामला है कि अल्लाह ने इस उम्मत को या अय्युहल लज़ीना आमनू कहकर ख़िताब किया। सहाबा फरमाते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई थी तो हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन इस बात को पसंद करता है कि सुबह को वादी बुतहान या वादी अकीक जाए और वहाँ से दो खूबसूरत ऊँटनियाँ लेकर आए और उसमें किसी किस्म का कोई गुनाह, किसी किस्म की कोई क़ता रहमी का वो मुर्तकिब ना हो। सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब ये चाहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मस्जिद के अंदर तुम्हारा कुरान मजीद की दो आयात को सीख लेना ये दो ऊँटनियों से बेहतर है, और तीन आयात को सीख लेना ये तीन ऊँटनियों से बेहतर है, और उस पर जितनी आयात को बढ़ाते रहो ये उतनी ही ऊँटनियों से बेहतर है। इसीलिए फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमा, तुम में से बेहतरीन वो है कि जो कुरान ख़ुद सीखे और दूसरों को सिखाए। रमज़ान का महीना कुरान का महीना है, रमज़ान और कुरान का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, एक गहरा रिश्ता है। इसलिए हम इस रमज़ानुल मुबारक में आप हज़रात के सामने कुरान मजीद में वो मुंतखब आयात के जिसमें अल्लाह जल्ला शानू ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू से ईमान वालों को ख़िताब किया, कुल कुरान में 89 आयतें ऐसी हैं, तो हम उन आयात में से एक एक आयत आपके सामने रोज़ाना पेश करेंगे, उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे, उसकी कुछ तफसीर आपके सामने अपने इस्तेआत के बक़दर पेश करेंगे। रोज़ाना या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह दर्स-ए-कुरान.com पर रात 10:30 बजे नशर होगा, और उसके साथ ही हाफिज़ अब्दुल क़ादिर ऑफिशियल पेज, उस पर भी इंशाअल्लाह नशर होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक की हकीकी बरकतें हमें नसीब फरमाए, कुरान से हमारा ताल्लुक़ नसीब फरमाए, कुरान सीखने की और कुरान को सिखाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।